ये आँखों में बहुत तेज़ नहीं आ रही लाइट, थोड़ा कम है तो फिर उससे आँखें छोटी छोटी लगेंगी, थोड़ा कम है। हाँ शब की ट्रेलर देखी है हमने, बहुत ही इम्पैक्टफुल है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसके आपके किरदार के बारे में। मेरे किरदार के बारे में, शब के ट्रेलर के बारे में, पहले देखो ट्रेलर के बारे में तो डायरेक्टर ने काटा है, तो मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया, लोगों ने बहुत तारीफ़ भी की है मुझे। मैं मतलब मेरा जो किरदार है फिल्म में, जो मेरा कैरेक्टर है, एक छोटे गांव से बड़े शहर में मॉडलिंग करने के लिए आता है, फिर उसके बाद वो जब छोटे शहर से आता है तो वो बड़े शहर में आने के लिए अपने आप को फ़िट करने के लिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है, वो जो सोसाइटी होती है उसके अंदर फ़िट करने के लिए वो ट्राई करता है कि वो कुछ अलग हो जाए, हट के अपनी इनोसेंस को खो देता है, फिर वो कैसे फ़ाइट करता है वो अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि तो अपने आप को बदलने के बाद वो अपने सपनों तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, ये आपको फिल्म देख के पता लगेगा। अच्छा, ये मूवी आपकी डेब्यू है तो हाँ। कितनी तैयारी की आपने डेब्यू मूवी के लिए? नहीं, बहुत तैयारी की है यार, बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है, क्योंकि जब इस फिल्म का मैंने ऑडिशन दिया था उस टाइम पे मैंने खुद पर कभी बिलीव नहीं किया कि मैं इस कैरेक्टर को प्ले कर पाऊँगा या फिर इस तरह की एक्टिंग कर पाऊँगा, लेकिन ऑडिशन के बाद फिर राउंड 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 एक राउंड दो राउंड, तो शुरू में सर को पसंद नहीं आया कि ख़राब एक्टिंग है, अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो हर बार, लेकिन सर को मेरे ऊपर बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो एक इनोसेंस उन्होंने देखी मेरे अंदर। फिर मैं ना हर राउंड में अलग मेहनत के साथ, जैसे कि अब ये राउंड है बेशक ख़राब कर रहा हूँ लेकिन जान लगा देनी है, हो या ना हो अलग बात है। फिर सिलेक्शन के बाद बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई, कुछ 4-5 महीने की वर्कशॉप हुई, आदिल हुसैन उन्होंने उनके साथ मेरी वर्कशॉप हुई, तनिष्ठा चैटर्जी के साथ मेरी वर्कशॉप हुई, आसिफ बसरा के साथ मेरी वर्कशॉप हुई, मेरी एक उर्दू की टीचर थी मुनीरा सूर थी, उनके साथ मेरी एक्टिंग की वर्कशॉप्स हुई। फिर उसके बाद उन वर्कशॉप के बाद मुझे गाइड किया उन्होंने, सर ने वर्कशॉप थी बेसिक ठीक करने की, फिर उस कैरेक्टर में कैसे घुसना है, उसे जीना कैसे है, उसकी बैक स्टोरी क्या होगी, वो सब लिखवाई उन्होंने सर ने। फिर उतनी सारी वर्कशॉप के बाद जब मैंने फिल्म के जब शुरू हुई फिल्म, उसके पहले दिन सेट पे गया तो डर ख़त्म हो गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्कशॉप के बाद अगर कोई एक्टिंग करेगा तो हो ही जाएगी। वर्कशॉप के नाम लिए तो आपने बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज कलाकार का नाम एक्टिंग के वर्कशॉप आदिल हुसैन सनी सजा, उन्होंने कोई एक टिप दी जो आपको लॉन्ग टाइम काम आएगी? देखो मतलब मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वर्कशॉप्स की है मुंबई के अंदर, लेकिन उन वर्कशॉप्स में और इस वर्कशॉप में फ़र्क ये था कि आदिल हुसैन तनिष्ठा चटर्जी का काफ़ी वर्कशॉप काफ़ी सिमिलर थी कि एक्टिंग को एक्टिंग नहीं करनी है, उसको जीना है कैरेक्टर को सोल से, उसमें डूब जाना है, उस जो कैरेक्टर है उसमें डूब जाना है, कभी भी ऐसा ना लगे कि आप कोशिश कर रहे हो एक्टिंग करने की, वो अपने आप ही अंदर से आना चाहिए, एक एक डायलॉग एक एक चीज़ें जैसे वो आपकी ही हो, तो उस अपनी ही सोल को कैसे पकड़ के एक्टिंग करनी है वो उसकी प्रैक्टिस थी, जैसे मेडिटेशन करना, इमेजिनेशन विजुलाइज करना और ऑब्ज़र्व करना लोगों को, खुद को ऑब्ज़र्व करना, उससे पहले खुद आप अपनी लाइफ में कैसे करते हो क्या करते हो, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पर काम कराया, और तनिष्ठा मैम ने भी उन्हीं चीज़ों पे काम कराया, आसिफ बसरा ने बैक स्टोरी पे काम कराया कि अपनी खुद की लाइफ की जर्नी को लिख के हमें सुनाओ, तो अगर मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ लिख के आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो यानी कि मैं कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस तरह की चीज़ों पे काम कराया। फिर क्या बोल रहा था मैंने, मुनीरा सूरती उन्होंने मेरी ज़ुबान पे उर्दू पे, अभी ज़ुबान में काम कर रहा हूँ तो ज़ुबान पे काम कराया। सर ट्रेल में देखा जाए तो हमने बहुत सारे बोल्ड सीन्स देखे हैं, तो उसके लिए आप कितने कंफर्टेबल थे कि रवीना मैम एक सीनियर एक्टर है तो थोड़े कंफर्टेबल लेवल थोड़ा? ये देखो क्या होता है कि वैसे तो बोल्ड सीन में तो कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं था, तो रवीना मैम थी और इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, और वैसे मैं एक्टिंग में भी नर्वस था उनके सामने, लेकिन बोल्ड सीन तो फिर अलग ही बात हो गई कि मतलब ये सीन्स करना है तो वो भी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है रवीना मैम की कि उन्होंने मुझे फर्स्ट डे वन से ही वो मतलब एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही थी, मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं एक नया एक्टर हूँ या मैं बाहर से आया हूँ, ऐसा लगने नहीं दिया,
तो वो चीज़ से क्या होता है, जैसे अगर सपोज मैं आपको ट्रीट ना करूँ अच्छे से, तो आप बोलोगे यार यार आप कंफर्ट लेवल पे नहीं आ पाओगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं बाहर से आऊँ यार एक छोटे, मतलब मैं भी, तो मुझे बहुत एक वो लेवल जब आ जाता है, फिर आप, फिर मेरी हिम्मत हो गई उनसे पूछने की, अच्छा मैम मैं ये सीन कैसे करूँ, मैं इस डायलॉग को कैसे बोलूँ, वो टिप्स मिले उनसे, सीखने को मिला, तो बाद में सीन्स बहुत अच्छे हैं। रवीना मैम के साथ कैसा एक्सपीरियंस था काम? यही तो बताया मैंने आपको अभी फिर से कुछ हाँ नहीं नहीं देखो एक्सपीरियंस ये था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और मैंने सबसे बड़ी बात ये सीखी कि आप एक्टर कितने ही बड़े बन जाओ, लेकिन आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, अपने से छोटे एक्टर को हमेशा सपोर्ट करो। कोई नया लड़का इंडस्ट्री में आता है उसको बताओ कैसे करना है, बजाय इसकी कि चलो बैठो फ़ोन पर लग गए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि वो ना वो उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी कि आशीष ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। तो इससे पहले मैंने एड्स किए हैं, एड्स में मैंने बड़े सास के बाद भी मैंने टीवी कमर्शियल्स किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार वो ठीक से बात नहीं करते एड्स में। कुछ कुछ एड्स से मैं नाम नहीं बताऊंगा कि मैं गया मैंने कहा हेलो, हाँ हाँ हेलो, तो बाद में ऐसा लगता है कि अरे यार सीन कैसे करेंगे यार, मतलब एक घबराहट आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगा था, लेकिन वो पूरा मिथ तोड़ दिया मेरा रवीना मैम ने। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब इतने बड़े स्टार और इतने नए एक्टर को इतना इतना ज़्यादा समझा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो वो चीज़ मतलब मुझे, मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ बोलते बोलते हैं। लेकिन सर टीवी से बहुत सारे कलाकार आए हैं और टीवी से फिर फिल्म में आते हैं, फिर अगर आपको मौका मिले वापस फिल्म से टीवी में जाने का तो आप करना चाहेंगे? देखो अभी तो मैं इस फिल्म की रिलीज़ का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर एक दो प्रोजेक्ट और हैं जिसकी अनाउंसमेंट होगी। कभी आगे जाके कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही अमेजिंग टीवी शो है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा है मतलब बहुत अच्छा है, तो हाँ दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे अपने मूवी के लिए? दर्शकों को मैं ये कहूँगा कि यार प्लीज़ क्या कहते हैं 30 तारीख को फिल्म आ रही है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाओ, अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाओ। और फिल्म बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी कहानी है, और आपके आसपास ही ऐसी कहानियाँ होती हैं लेकिन आप ध्यान देते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि ध्यान देना नहीं चाहिए। आप, हम हमेशा अपने खुद की लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हम ध्यान देना चाहते नहीं हैं। तो अगर आप फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा कि हम कितना मिस करते हैं अपने आसपास से। तो आप जाओ प्लीज़ फिल्म देखने के लिए, फिल्म को हिट बनाओ। थैंक यू, थैंक यू। ट्रेलर इज बिंग लॉन्च्ड, मोर ओवर इट ऑल द सॉन्ग्स हैज बिन लॉन्च्ड एंड विच इज बिंग लाइक्ड लाइक एनीथिंग। सो व्हाइल आई वाज शूटिंग एंड हर्ड दोज सॉन्ग्स, आई वाज क्वाइट श्योर दैट पीपल वुड लव टू लव दोज सॉन्ग्स, बिकॉज आई लव्ड इट वेरी मच, नॉट एज एन एज पार्ट ऑफ दिस फिल्म, but it's in today's life it's really rare thing to get such a melodious song which will leave a strong impact on you while you are listening the song. So I'm really happy that things are getting their due which they deserve. So tell us about your role. The character I played, the name of the character is Raina. She's a waitress, work in a cafeteria, and she, the cafeteria is in Delhi. She's a very self-confident, self-dependent, practical, matured character, but there are layers and there is a lot of mystery in the character. So it has a past story which takes Raina to Delhi, and there is another aspect also with this character. So until now, whatever people are seeing through all these trailers and music videos and other promotional activities, that's not all about Raina. So right now I won't divulge
so other untold part. For that, we have to come to theater to watch the film. Ma'am, it's a debut movie in your Bollywood. So have you taken any advice from anyone, from your Ashish? I have a reservation with this term Bollywood debut because I have been working in film industry for more than 15 years, and to me as an actress, film is a film. And being an actress, I see three matters to say yes to any project, which is the story, the character I'm playing, and the director. So when this project had come to me, so all these parameters was absolutely right on the track, and I just took it as a film. And tomorrow I can work in any language film. So film is a film which has a different language. Doesn't matter that it's Bollywood or Tollywood or Tellywood or whatever. Okay. So lastly, anything you'd like to say to your fans? I would request all of you that without your support, the film, us, it's nowhere. So you all have to come to theater to watch this film. You can't afford to miss it. Thank you. Thank you. No, I'm not very sure.